नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबेट ओनली टेक। दोस्तों बहुत बार आपके कमेंट मुझे पढ़ने को मिलते हैं कि सर यूट्यूब में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं या कुछ भी करने के लिए गूगल क्रोम में अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता हूं तो हमेशा बीटा वर्जन ओपन हो जाता है, फिर मुझे उसको क्लासिक में चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप भी समस्या से परेशान है तो आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा, इस सेटिंग को आप मात्र 2 मिनट में कर सकते हैं और फिर जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे यूट्यूब चैनल आपका क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो में ही ओपन होगा, बीटा वर्जन में नहीं होगा। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो यार वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में वीडियो की भावनाओं में आप खो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये जो ट्रिक है ये आप चाहें तो लैपटॉप में भी कर सकते हैं, चाहें तो डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम आप जब भी ओपन करते हैं तो चैनल इस तरह से ओपन होता है और ये मेरा सेकंड चैनल है आर्टिस्ट योगी योगेंद्र के नाम से। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक पोएट और स्टेज स्पीकर भी हूँ तो मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ पर डाल रखी है। अगर आपको पसंद है पोएम वगैरह सुनना तो आप यहाँ पर भी सुन सकते हैं। चैनल का नाम है आर्टिस्ट योगी योगेंद्र और देखो मैंने प्रमोशन भी कर लिया है वीडियो में। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। देखिए यहाँ पर होता है कि YouTube बीटा स्टूडियो हमको हमेशा ओपन हो जाता है, फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और क्लिक करने के बाद हमें अब तक क्या करना पड़ता था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमें क्या करना है। देखिए हमें क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक के लिए हमेशा यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, और फिर अदर पे क्लिक करके हम स्किप करते हैं तो हमारा क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक ओपन होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी अगर आप सेटिंग कर लें तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जब आपका YouTube बीटा स्टूडियो ओपन हो तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है सेटिंग का, तो आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए या आपके मोबाइल में लैपटॉप में डेस्कटॉप में तीनों में ही नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी डिफ़ॉल्ट क्रिएटर एक्सपीरियंस, तो डिफ़ॉल्ट में हमें आ रहा, देखिए आप यूट्यूब स्टूडियो बीटा है और ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अब हमें इसको सेट करना है अपनी तरफ से, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला जो क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक है इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आप देखिए सेव का एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। अब हमने सेव यहाँ पर कर दिया है, नेक्स्ट टाइम अब जब भी अपने चैनल को ओपन करेंगे तो ये क्रिएटर स्टूडियो में ही ओपन होगा क्योंकि सेटिंग देखिए सेव हो चुकी है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अकाउंट में, अकाउंट में जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ योर चैनल पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं योर चैनल पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि ये क्रिएटर में ही जो है क्रिएटर स्टूडियो ही यहाँ पे जो है ओपन हुआ है, यूट्यूब बीटा नहीं हुआ है। तो बस इस तरह से छोटी सी सेटिंग करनी है और आप बार बार जो आपका बीटा वर्जन ओपन हो रहा था उससे आप जो परेशानी थी आपकी उससे निजात पा लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट हम क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो में यूट्यूब कैसे चला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और कोई भी नई जानकारी आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।